डियर स्टूडेंट क्लास फिफ्थ, मजमून इस्लामियात, अनवान है फ़र्क क्या है, सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 37। ओके क्लास फिफ्थ, ओपन योर बुक। सबक नंबर 10, फ़र्क क्या है और पेज ऑन 37। आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि इंसान दूसरे जानवरों पौधों से किस तरह मुख्तलिफ है, फ़र्क क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। हुज़ैफ़ा ने कहा, अच्छा आपकी बात मान लेते हैं कि हम इस सियारे से इस तरह ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जिस तरह पौधे और दूसरे जानवर रखते हैं। सियारे मतलब ज़मीन में, ज़मीन की बात चल रही है कि हम पौधे और दूसरे जानवर से मुख्तलिफ हैं, यानी इंसान, लेकिन वो फ़र्क क्या है, हम दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं। हिज़र ने वजाहत करते हुए कहा, दो फ़र्क तो बुनियादी है। पहला फ़र्क तो दिमाग का है, हम इंसान अपने हवस से काम लेकर चीज़ों का गहराई में जाकर मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि इंसान के पास अल्लाह ताला ने सबसे कीमती चीज़, कीमती तोहफा जो है वो दिमाग है। जो इंसान दिमाग से सोचता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे नुकसानदेह है और क्या बुरी है, हम किधर से सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं। हालांकि जानवरों के पास ये चीज़, ये शोर अल्लाह ताला ने अता नहीं फरमाई है। ठीक है, लेकिन जानवर भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्ली हमारी हल्की आवाज़ भी सुन सकती हैं और हर बू को सूंघ लेती हैं जिसे हम भी महसूस नहीं कर सकते, हुज़ैफ़ा ने कहा। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि बिल्ली भी तो इस तरह करती है कि हमारी हल्की सी आवाज़ वो सुन लेती है, जो बू है जो हमें फील नहीं होती और उनको फील होता है। ठीक है, हिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अल्लाह ने जानवरों को इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर हवस दिए हैं, लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि इस हवस से काम कैसे लिया जाए। जानवर अपने हवस का इस्तेमाल अपने और अपने ख़ानदान की तहफ़ और खुराक के उसूल के लिए करते हैं, जबकि इंसान अपनी ज़हानत से सोचते हैं, ऐसी मालूमात हासिल करते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। हमारा जहन मसाइल के हल में हमारी मदद करता है। अपने जहन से हम नई बातें सोचते हैं और इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं। हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने एक मकसद के लिए इंसान को ये ताकत दी है। इससे हमें उसने हमें बनाया है और एक दिन इसकी तरफ हमें लौटकर जाना है। ज़ाहरी बात है, इससे पहले मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि ये दुनिया जो है ये आरजी है, आरजी है, इससे हमें एक ना एक दिन जाना होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वही हो रही है, मकसद वही है कि ये दुनिया जो है ये दुनियाई ज़िंदगी ये ख़त्म होने वाली है। ख़त्म हो के हमारे पास अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दो रास्ते सामने रखे हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। गलत रास्ता में शैतान, हमारा खुला दुश्मन जो है वो शैतान ही है। शैतान ही यही हरकत होती है कि हम मुसलमान को गलत रास्ते पर लेके आए। और इंसान अगर सच्चा मुसलमान हो, उनके दिल में ईमान की मजबूती हो, तो वो शैतान के वसवसों में नहीं आते। ठीक है, तो ये दुनिया जो है ये ख़त्म होने वाली है। इंसान दूसरे जानवरों से और पौधों से किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि इंसान सोचता है अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम नई तरकीब, हमें नई बातें सामने आती है, कहाँ से, दिमाग से। हालांकि ये दूसरे जानवरों के साथ ये चीज़ नहीं है, अक्ल नहीं है। अक्ल और शुऊर सिर्फ और जो है वो इंसान ही कर सकता है, इंसान ही सोचता है।
तो यहाँ पे है कि हमारे मसाइल के हल में हमारी मदद करता है कौन? करता है हमारी अक्ल। अक्ल से हम काम लेते हैं, अपने जहन से हम नई नई बातें सोचते हैं और इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं। हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने एक मकसद के लिए इंसान को ये ताकत दी है, इससे हमें बनाया है और एक दिन उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। समझ आ गई क्लास फिफ्थ? आपने आज क्या करना है कि सफ़ा नंबर 37 को अच्छी तरह रीड आउट करनी है, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।